आईपीएल एक बड़ा लीग है, जब बंदा प्लेयर जब आईपीएल में पहुंचता है ना तो उसमें कुछ क्वालिटी होती है। इस वजह से जितने भी प्लेयर इंडिया के आए हैं वो आईपीएल खेल के आए हैं, इस वजह से वो हर शॉट खेलना जानते हैं, हर प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना जानते हैं। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू, रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जहां पर अगर बात की जाए विराट कोहली की तो तीसरे चौथे मैच में वापसी करते हुए नजर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बुमराह को भी रेस्ट दी जा रही है, केएल राहुल और जडेजा की वापसी की उम्मीदें की जा रही हैं, तो क्या अभी भी भारतीय टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है या नहीं, तो आइए पाकिस्तानी वाम से इसकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक सर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता, दूसरा फिर भारत ने जीता, तीसरा एक्सपेक्टेड है कि भारत जीतेगा, विराट कोहली की वापसी है लेकिन बुमराह उनके फास्ट बॉलर, उनको रेस्ट दिया जा रहा है, तो क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है राइट नाउ थर्ड टेस्ट मैच का? इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है वर्ल्ड कप से लेकर, तो मुश्किल है इंग्लैंड को जीतना। इंग्लैंड कहते हैं कि बानिए क्रिकेट नज़र आती है और जितने अच्छे उसके प्लेयर्स हैं इसके बावजूद भी इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्या वजूहत नज़र आ रही है? और भारत ने आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में 10/10 की स्ट्रीक बनाई, उसने एक भी मैच उसने नहीं हारा, सेकेंडली अगर देखा जाए तो आगे भी नज़र आ रहा है कि वो अच्छे ही परफॉर्म कर रही है। क्यों, पाकिस्तान भी तो रैंकिंग नंबर 1 पे टीम आ गई थी तो वो भी तो स्ट्रगल कर रही थी। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में क्या किया? वर्ल्ड कप में भी स्ट्रगल कर रहा था लेकिन फिर भी पहुंच, तो कब से स्ट्रगल कर रहा है, एशिया कप से लेकर अभी तक स्ट्रगल में ही है। वही जो कप्तान चेंज हो गया, तो नया कप्तान है, नई मैचिंग के साथ आगे जा रहा है, नई एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब लड़कों पे। इंग्लैंड के खिलाफ देखा कितना बुरा हम लोग हारे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा, तो उसमें तो ज्यादातर बैट्समैन जो थे वो नए थे, तकरीबन एक दो मैच खेले थे। तो भारत के पास नए बैट्समैन नहीं आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच ड्रॉ करवा दिए। आईपीएल एक बड़ा लीग है, जब बंदा प्लेयर जब आईपीएल में पहुंचता है ना तो उसमें कुछ क्वालिटी होती है। इस वजह से जितने भी प्लेयर इंडिया के आए हैं वो आईपीएल खेल के आए हैं, इस वजह से वो हर शॉट खेलना जानते हैं, हर प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना जानते हैं, इस वजह से वो उसके बेस्ट टीमों के सामने खेल लेते हैं, ये वजह है। तो फिर पाकिस्तान, मतलब आपने कहा कि आईपीएल के लिए लेजेंडरी बैट्समैन हैं इंडिया के पास, आपने जयसवाल को देखा होगा 200+ किया उसने इंग्लैंड के खिलाफ, बिल्कुल नया बैट्समैन है वो, सरफराज खान रिसेंटली खेलने के लिए आ रहे हैं। देखा जाए तो इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पीएसएल के बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ। हमारे प्लेयर लीगों के लिए बने हुए हैं, आजकल जो प्लेयर बनते हैं वो लीग सिर्फ खेलते हैं, जब इंटरनेशनल पे आ जाते हैं तो बस फ्लॉप हो जाते हैं वहाँ पर। जिस तरह आजम खान पीएसएल खेलता है, बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो वो बड़ी अच्छी खेलता है, जब वो इंटरनेशनल में आ जाता है तो नहीं खेल सकता है, फ्लॉप हो जाता है वहाँ पर। जितनी किसका है कि आईपीएल बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस करता है, हमारे पास पीएसएल में ऐसे प्लेयर्स नहीं है। वो बात नहीं, बात ये है कि सिर्फ वहाँ पर प्रेशर छोटों बच्चों जो नए प्लेयर हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ये वजह है। हाँ पाकिस्तान, क्योंकि अवाम उसने नहीं चाहती, क्योंकि एक मैच पे फ्लॉप बैट्समैन हो जाता है तो कहता है कि इसे कुछ नहीं आता है, बस इसे बिठा लो, इसको खिला लो। बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ बनता है? यो बाबर आजम अभी के दौर में बाबर आजम बेस्ट है, क्योंकि विराट कोहली अभी थोड़ा मुश्किल है उससे करना, क्योंकि विराट कोहली अभी नीचे जा रहा है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच, क्या एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड अपने आप को पूरी तरह बकअप करके आएगा? बिकॉज कह लें कि जब इज्जत पे बात आती है तो कोई ना कोई ऐसा चारा ढूंढता है कि अपनी जो इज्जत है उसे बरकरार रखा जाए, वो भी किसी दूसरे के घर में जाकर। जहाँ तक मुझे लगता है वैसे ही उनकी इज्जत बरकरार रह जानी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि विराट कोहली तीसरे चौथे टेस्ट में भी नहीं आ रहे और जसप्रीत बुमराह को भी वो रेस्ट दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक हर्ट करेगा इंडिया को। और इंग्लैंड जिस तरह का, मतलब पहला मैच वो जीते हैं फिर दूसरा अनएक्सपेक्टेडली हारे हैं, तो तीसरा हो सकता है वो जो रिजल्ट है वो इंग्लैंड के हक में भी चला जाए, इंग्लैंड के हक में चला जाए रिजल्ट। जैसे कि डेफिनेटली सुनने में आया है कि विराट कोहली खुद नहीं आ रहे हैं, सेकंडली बुमराह को रेस्ट दी जा रही है, एक ऐसा बॉलर जो कि स्पिनिंग ट्रैक्स में आला परफॉर्म करता है जब वही आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आपकी टीम है जो स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जा सकती है? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि इंडिया को बिल्कुल हम लेट डाउन नहीं कर सकते, मतलब अगर उनके खिलाफ जो उनका कमबैक करते हैं, बाकी उनके प्लेयर रिप्लेसमेंट में आते हैं वो भी इस हद तक होते हैं स्ट्रॉन्ग के, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सरफराज खान की वापसी हुई थी और भी दो तीन प्लेयर आए थे, जडेजा की जगह एक उनका मतलब ऑलराउंडर आया था, तो अच्छा परफॉर्म करके गए थे, उन्हीं के सर पे वो लास्ट मैच भी जीते थे। अगर बुमराह को निकाल भी दे तो कोई और आके वो भी, ये दो प्लेयर्स नहीं आते तो केएल राहुल और जडेजा की तो वापसी डेफिनेटली नजर आ रही है हम लोगों को। तो वो कोई बुरे प्लेयर तो नहीं है, मतलब केएल राहुल जबरदस्त है, 81-89 केएल राहुल जब भी रुकते हैं पिच के ऊपर तो उनकी सेंचुरी कंफर्म होती है। जडेजा जो है वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं, तो इतना नहीं कमजोर होगी इंडिया की टीम, बस एक विराट कोहली और बुमराह के नाम का जो प्रेशर होगा ना वो इंग्लैंड टीम पे नहीं होगा बस। ये भी आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन ये फैन के साथ आपको ज्यादती हो रही है विराट कोहली को ना बार बार आने की, जाहिर सी बात उनके अपने कोई पर्सनल रीजंस भी होंगे, लेकिन फैंस वेट कर रहे हैं विराट का। पिछले 15 साल से तो विराट कोहली को उसके क्रीज के
ऊपर देख रहे हैं, ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं खेलता, तो बस ठीक है। अब जो नए आ रहे हैं उनको मौका दें, हर एक की पर्सनल लाइफ होती है, उनका अगर एक काम चल रहा है पीछे तो उनको करने दें वो। बिल्कुल ऐसी है, जैसे इंडिया की सबसे अच्छी चीज ये है कि वो अपने प्लेयर्स को बड़ा यूटिलाइज अच्छे तरीके से करते हैं। अब जैसे जसप्रीत बुमराह नंबर वन बॉलर है और जैसा उसने सेकंड टेस्ट में परफॉर्म किया उसके बाद उसको रेस्ट देना, देखें ये सिर्फ इंडिया की टीम ही कर सकती है इस तरह के डिसीजन। और विराट कोहली की एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि वो तीसरे चौथे टेस्ट में नहीं आ रहे। मैं यही पूछने वाली थी कि एक्सपेक्टेड है कि वो शायद अगली जो टेस्ट मैचेस है वो भी ना खेल पाए। बिल्कुल ऐसे ही है, तीसरे चौथे में भी नहीं आएगा। तो यार ये इंडिया यहाँ कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के साथ ज्यादती कर रहा है। देखें विराट कोहली के बिना क्रिकेट ना ही जचती है और ना ही देखने में मजा आता है। बेशक इंडिया सेकंड मैच जीत गया लेकिन हमें वो मजा नहीं आया। जो अगर विराट कोहली टीम में होता तो मैं कहता हूँ सोने पर सुहागा हो जाता। यहाँ पर इंडिया को चाहिए कि विराट कोहली को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करके टीम में लेके आए। बाकी ओवरऑल आपने जैसे बात की, नो डाउट कि अब इंडिया का स्क्वाड मजीद स्ट्रांग होने वाला है। जैसे इनके पास रोहित दूसरा के राहुल वापस आने वाला है, जडेजा का भी सुना है वापस आ जाएगा, बुमराह को थोड़ा रेस्ट दे देंगे, लेकिन सिराज भी किसी से कम नहीं है। सिराज ने बार बार ये चीज़ दिखाई है, अगर आप मुझे दोगे मौका दोगे तो मैं आपको जब आउट करके 6-7 आउट करके दूंगा। तो मतलब ओवरऑल इंडिया में भी तीसरा भी जीत जाए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक सर। थर्ड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, डेफिनेटली बात है इंग्लैंड एक अच्छा कमबैक करता हुआ दिखाई देगा भारत के खिलाफ। जहां पर विराट कोहली के न्यूज़ आई है कि शायद मे भी वो तीसरे चौथे या पांचवें मैच में नज़र ना आए, तो दूसरे बुमराह भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन केएल राहुल और जडेजा की वापसी है तो टीम अभी भी स्ट्रॉन्ग है भारत की। देखें विराट कोहली की सबसे पहले बात जो रही, विराट कोहली की वापसी जो नहीं सुनने में आ रही है कि तीसरे चौथे मैच में भी विराट कोहली नज़र नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक फ़ैन के लिए हार्ट मोमेंट है, लाइक उनके दिलों के साथ खेलना विराट कोहली की तरफ से। लेकिन स्टिल जो फैंस है वो विराट कोहली को देखना कह लें कि दिलो जान से प्रेफर करें कि लाइक वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस देने के लिए बेताब है। और दूसरी बात ये रही, जैसे कि आपने कहा कि बुमराह भी नहीं खेल रहा, तो देखें बुमराह एक वाहिद ऐसा मेरे ख्याल में बोल रहा है जो कि ऑल फॉर्मेट्स में किसी भी टीम के आगे किसी भी टीम को टिकने नहीं देता। तो मेरे ख्याल में अगर बुमराह की बॉलिंग साइड से अगर होगा तो थोड़ी सी कमी पेशी नज़र आएगी, बाकी कह लें कि बैटिंग साइड से तो उनकी पहली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन विराट कोहली के आने से सोने पे सुहागा वाला काम था कि लाइक जैसे 70% स्ट्रॉन्ग है तो विराट कोहली के आने से 90% हो जानी थी, ये थोड़ा बेनिफिट था इंडिया के लिए। बाकी बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की तो बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी सी कमियाँ नजर आएंगे मैं बुमराह के बाद, क्योंकि मुकेश कुमार को देखे हमने तो उसे टेस्ट मैच में बिल्कुल नहीं चल पाए, सिर्फ मेरे ख्याल में 1-2 विकेटें ली उन्होंने। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि सिराज की, वो भी पहले टेस्ट मैच में जैसे हमें परफॉर्म करते नजर आए, बुमराह वैसे नहीं खेल रहे, बुमराह की तरफ से थोड़ी हाइप थी। राहुल और जडेजा तो डेफिनेटली वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जडेजा एक ऑलराउंडर है भारतीय टीम के। देखिए नो डाउट जडेजा जो है वो एक ऑलराउंडर प्लेयर है, उसके बाद अच्छा स्पिन बॉल डालता है, उसके बाद टीम को वो प्रेशर में भी खेलना जानता है टीम के साथ लाइक। लेकिन मैं अगर पेसर्स की बात करूँ तो पेसर्स में बुमराह की जगह कोई नहीं मेरे ख्याल से ले सकता, सिराज भी नहीं ले सकता, शमी भी नहीं ले सकता, क्योंकि बुमराह की एक अपनी स्पेशलिटी है, उसके बाद शमी की अपनी जगह है, सिराज की अपनी जगह है, तो बुमराह की जो जगह है वो मेरे ख्याल से कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बुमराह के लिए रेस्ट मेरे ख्याल में तीसरे चौथे फॉर्मेट टेस्ट में मुश्किल होना था, तो लाइक ना रेस्ट देते तो ज़रा बेहतर था काम। खैर चले रेस्ट दे दिया उन्होंने, ठीक है उनको अपने टैलेंट का पेसर्स का ख्याल है। उसके बाद अगर बात की जाए तो बाकी जो टीम ओवरऑल जो स्क्वाड रहेगा, नो डाउट इंडिया अभी भी मेरे ख्याल में इंग्लैंड के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। थैंक यू सर।